अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक ईद स्पेशल में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं जनाब दानिश्वर साहब, आप तशरीफ लाए डमी म्यूजियम से, और आपके हमराह मौजूद हैं फिजा अली। खुदी नजरात आप जानते हैं जियो टीवी के एक मकबूल प्रोग्राम हम सब उम्मीद से हैं कि एंकर पर्सन है। जी सर, क्या हाल चाल है? ईद मुबारक। सो तो नहीं रहे आप? वो वहीं बैठे रहिए, मैं उठ के नहीं मिलूंगा आपसे। बस थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्गों से उठ के नहीं मिलूंगा। ईद मुबारक। उन्होंने बड़ी ईद भी मिल रही। आई लव यू। एक बार अच्छा उधर तस्वीर भी बनवा ले उधर। चलिए बहुत शुक्रिया सर, जेब भी चेक कर लेना। आप बहुत तंग करते हैं, मत करिए सर, अपनी सीट पे बैठिएगा। ये बताइए टीवी के लिए लिखना बंद क्यों कर दिया आपने? मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ये फिजा अली से पूछ रहा हूँ। फिजा अली, आप ड्रामा नवीस हैं, आपने स्टूडियो ढाई किया, फिर आपने तो जाहिर है आप ही से पूछूंगा मैं। देखिए, आजकल मैं शायरी तो छोड़ चुका हूं, मुसव्वरी होती नहीं आजकल, तो पेंचर लाना शुरू कर दिया। अच्छा। मुझे एक बड़ा दिलचस्प वाकया याद आ गया जी। 1971 की जब वॉर हो रही थी। फिजा को सुनाइए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब 1971 की वॉर हो जी। फिजा घर फोन कर दे कि मैं 3 महीने नहीं आना। लग रहा है काजी वाजिद का शारा फैसल पे चलान हो गया। किस चीज का? शीशे काले करा के। शीशे काले करा के अपनी ऐनक के सड़क पे गया। उस जमाने में अयूब खान ने ऐनक के शीशे काले करा के गाड़ी चलाने पे पाबंदी लगाई थी। अफल गाड़ी वो नहीं, दूसरी रेड़ी वाली जो सड़क पे। उसमें क्या आपको बिठा कर मांगा करते थे? नहीं, मुझे नहीं, हम काजी वाजिद को बेहोश करके मांगा करते थे। गल पूरी तो कर लो, एक मुकम्मल नहीं की थी गल। देखिए कितने मुअज्जज़ीन आपसे गुजारिश कर रहे हैं। आपका मेहमान मैं हूँ या ये आबद परवीन? मुझे मुझे बताइए। आबद कश्मीरी। ये आबद कश्मीरी हैं। आज इस पुरमसरत मौके पर। क्या पुरमसरत मौके? ये पुरमसरत मौका 63 में हम लोग यंगस्टर्स थे। 1863 मेरे साथ पंगे ना लें। क्योंकि इस उम्र में मैं पंगे लेता अच्छा नहीं लगता। इस उम्र से एक शेर याद आ गया जफर इकबाल साहब का, इजाजत है? प्लीज। वाह, वो कहते हैं कि उस शोख पे मरना तो बड़ी बात है लेकिन वाह वाह कहते हैं कि इस उम्र में अच्छा नहीं लगता। वाह वाह, शेर बहुत अच्छा। आपके लिए कहा है शेर बहुत अच्छा है। शेर नहीं है, तानून नसीहत है। मिस फिजा, माशाल्लाह इतना तजर्बा है आपका। कितना? आपके पास चार मुंह वाला पेचकस? ईद वाले दिन की जरूरत पड़ेगी जी, सेवियां कसनियां। मेरी बात सुनिए, ये मुझे क्या समझ रहे हैं? मुझे ये कोई डॉक्टर समझ रहे हैं क्या? समय दांत निकाल के पास पेचकस का काम का अपने आप को एलिवेट ना करो, तुम्हें मिस्त्री समझ रहे हैं। उंगन आर गई होगी ना बैठे बैठे, और पावे परस छो पेचकस काट के दे ना। वो क्या किचन की टूटी मेरी वो थोड़ा सा नट जो साइड पे नहीं, तो हमें क्यों बता रहे हैं? हम आपके प्लम्बर्स हैं। मैंने कहा मुलाकात हुई अगर है तो मेरी मदद कर। अच्छा, कोई टूटी किचन की ऐसी नहीं जिसे चार मुंह वाला पेचकस दरकार हो। उसके लिए रेंच चाहिए होता है। आपके पास रेंच है? अच्छा फिजा, आप ये बताइए आपके पास दात्री होगी? नहीं नहीं, सीरियसली फिजा ये बताइए, आप टीवी के एक शो की होस्ट हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? उसका तो बहुत मजा आता है, स्पेशली कुछ एक तो प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि जिसमें आप बहुत मलका की तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ने नेल कटर मांगा है। मेरा बोलना अजाब हो गया, मैं तो अपना इंटरव्यू नहीं दे पा रही हूँ, मुझे देखते हैं ऐसे। आप बताइए दानिश्वर साहब जी, आप बताइए
कोई मेरी बात तो आधी रह गई जो मैं कोई टीवी के लिए कुछ सोप लिख रहे हैं आजकल, कोई काम कर रहे हैं कि नहीं? बहुत काम कर रहा हूँ। क्या लिख रहे हैं? एक अफसाना है, वाह, एक कहानी है एक खातून की, घरेलू खातून, हाउसवाइफ, जिंदगी से तंग है, हस्बैंड उसे रोज बेल्टों से मारता है, आय हाय, वो हस्बैंड को बेल्टों से मारती है रोजन लो। जाहिर है अगर हस्बैंड मारेगा तो वाइफ भी मारेगी, उसने कोई दुआने तो लगाए नहीं। तो जिंदगी से तंग कौन है दोनों में से? दोनों दोनों तंग। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी एक दूसरे को बेल्टे मार रहे हैं। बेटा बेटी को और बेटी बेटे को। ये ब्रूसली दी कहानी है। मामला कोर्ट्स में, जो घरेलू मामलात को डिस्कस करती है, फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट में अपील नहीं करते वो। होगी सार्जेंट नू दस दे। अभी तो आपने कहा था फैमिली इशू है। मैं सर, इन्होंने सोप नहीं बनाना, इन्होंने अपनी बेल्टा बेच। सोप अभी बना नहीं है। इन्होंने सोप जेड़ा नहाने वाला बनाना है। एक ही सिगरेट मार रहे हो। अभी ये भी कुछ बना रहे हैं, एक मिनट, क्या ये चरस ये बना रहे हैं? लिख रहे हैं यार, कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? नहीं नहीं, चरस ही बना रहा था। फिजा ये बताइए, अपने करियर का आगाज, शोबिज का आगाज कैसे किया? स्कूल से ही शौक था? मुझे बचपन से शौक था। हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, हम लोग बांग्लादेश में रहते थे। मैं बांग्लादेश से आई यहाँ पर, तो डिसाइडेड था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो मेरे चाचा मुझे उठा के ले गए स्कूल से। उनकी कोई चाचा जी तो अड़े बर्दा फरोश से। चाचा जी ने को बैठ तो नहीं मारे। हुआ ये कि वो एड्स वगैरह जो थे बनाते थे, तो उनको चाहिए थी एक बच्ची मॉडल। तो उनकी जो मॉडल थी वो आई नहीं, वो भाग गई। तो फिर मुझे ले गए, फिर मैंने जाके शूट किया वहाँ पे, वो कमर्शियल रिकॉर्ड कराया और मुझे कहा घर में किसी को मत बताना, चुप रहना, ये वो। घर आ गई, एक हफ्ता नहीं गुजरा था कि ईद की शॉपिंग करके हम लोग जूते वगैरह लेकर आए, जूते का यार था, जूते वगैरह लेकर आए, बैठ के खोल रहे थे टीवी के सामने, एकदम से चांद रात को जो था वो मेरा कमर्शियल चल गया। अब घर में तो किसी को नहीं बताना था, एकदम से मैं चीखे, अल्लाह देखो मेरा कमर्शियल चल रहा है, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं आ रही हूँ, मैं देख रहे हैं, हाँ प्लीज, मैं पागल। अच्छा जी, फिर जी, हाँ, आपका आपका कमर्शियल देखा सबने? हाँ, तो सबने देखा। उसके बाद एक दो एकदम जो होता है सन्नाटा छा गया। चाचा लोकदा फिर दड़ मेनू पैणियां आज। खामोशी सी छा गई ना। और उसके बाद वो जो बेल्ट की कहानी सुना रहे थे ना, वो पहली बार जिंदगी में मुझे बेल्ट पड़ी। और चाचा जी पड़ी। वो बेल्ट मुझे आज तक नहीं भूलती, मैं सच बता रही हूँ। इसीलिए इनकी बेल्ट की कहानी खत्म कराने के लिए मैं पीछे पड़ी हुई थी। तो चाचा को छोड़ दिया क्या? नहीं दी, अखा कर देती है इन्हें। मेरे पीछे पाए गए, छोटा भिराओ तेरी शर्म ही नहीं आऊंगी यार। वकरा पीछे जहालत चैनल शुरू हो जाता है। और इन्होंने कमर्शियल नहीं मिलते, कणक मिलती कि अच्छा जी, फिर ये फिर मॉडल बन गई। चाचे का अगवा था, गम चल पिया। हूँ दूजे मुल्क जो भी आर्डर आ स्कूल की बड़िया मॉडल पढ़ दिया। अच्छा जी, चाचा जी को कब से डकैतियां लगी? मेरी बात सुने, चाचा पे बात ना खत्म करें। आपकी बेल्टों की वजह से मुझे अपनी कहानी सुनानी पड़ी, आपकी वजह से मेरी बेइज्जती खराब हो जा रही। और बेल्टों के लामतना ही किस्से की वजह से। हाँ, तो मेरे ऊपर तो चादरें चढ़ रही हैं। बचपन में एक दफा काजी वाजिद अगवा हो गए। काजी वाजिद तेरे नाल ही रहे। मेरे चाचा ने अगवा नहीं किया था। चाचा ने अगवा नहीं किया। ये बताइए कि पहला किरदार, काबिले जिक्र किरदार मीडिया में आके, शोबिज में आके कौन सा किया? मेहंदी। मेहंदी जी। ये क्या आप मीरा क्यों बन गई? भाई मैं अपनी एक्टिंग दिखाना चाह रही हूँ उनको। अच्छा, मैं भी दिखाना चाह रही हूँ एक्टिंग के जौहर के मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। मीरा बहुत अच्छा बनती हैं आप। जी बाजे। बाजे। ऑफ कोर्स। यस ऑफ कोर्स टू। ओह गॉड। आज बहुत ब्लैक सूट पहना हुआ है। अक्सर ब्लैक पहनता हूँ। मेरे साथ कंट्रास्ट किया है ना। मैंने इनको फोन किया था कि आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थी। साड़ी फरमाइश किथे गई है ने?
मेरा जी आपके अंदर जिन आए हुए हैं. आप प्लीज बड़ा थर्मस और जा भी अपना भी थर्मस ले आ. चाय बनवाइए. आप क्या समझते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? यू नो दिस इज दैट. ये रीमा बन गई हैं. कौन थे? मैं थे कि तू चिपका चीमा बन गया. कभी नजर हम लेते हैं ब्रेक वाले साथ ही. Q Mobile Bolt.